बताओ क्या हुआ है सर। 26 जून को मेरे पास एक कॉल आया, उसने मेरे से कहा लक्ष्मण कैसे हो, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि मेरा परिचय फिर तो चुका मुझे। उसके बाद उसने कहा मेरी मौसी का लड़का है इंडियन आर्मी में, तो उनने कहा कि वहाँ से पैसे आने हैं तो मैं दूर रहता हूँ, तो आप ले लो अकाउंट में, मुझे दे देना। तो मुझे लगा कि मेरा कोई परिचित है। उसके बाद उसने मेरा अकाउंट नंबर, वो मेरा मोबाइल नंबर उसको दिया। उसने मुझे कॉल किया कि आप अपना फ़ोन पे चालू कर लीजिए। उसने मेरा फ़ोन पे चालू किया, फिर उसने कहा कि ये बटन दबाइए पे का, ओके का, ऐसे दबाता गया। उसमें अमाउंट आता है भरने के लिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस समय। उनने बोला कि मेरे सैलरी अकाउंट का नंबर है जी, उसमें डाल दें। तो मैंने उसमें डाल दिया, तो वो पिन मांगा, मैंने पिन दबाया। उसने कहा ओके मत करना, ओके पहले मैं करूँगा। फिर उसने किया, नहीं किया, उसने कहा ओके कर, ओके किया, तो पैसे ट्रांसफ़र हो गए। कितने पैसे चले गए तुम्हारे अकाउंट से? मेरे गए हैं 19,301 गए हैं, और 9,999,997 चार बार में गए हैं पैसे, कुछ डिटेल्स में पीछे लगी हुई है सर। कुल कितने का फ्रॉड हो गया तुम्हारे साथ? 39,300। अच्छा, उसके बाद पैन कार्ड वगैरह कुछ मांगा उसने? हाँ, 28-27 को मैंने एप्लीकेशन लगाई थाने में, कोई प्राप्ति नहीं मिली मेरे को, और उन्होंने कागज़ जमा कर लिए कि हम देखेंगे। 28 को मेरे पास कॉल आया सुबह, मैंने ही लगाया उसको, तो उसने उठाया नहीं। फिर उसका बैग आया, सर आपके पैसे फंस गए हैं, तो मैंने कैसे निकलेंगे, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड मुझे दे दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं एक नंबर दे रहा हूँ। फिर मैंने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ठीक है, तो आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है? हाँ सर। साथियों, आपने ये देखा कि एक जो फरियादी मेरे पास आया है अभी, और उसके द्वारा ये बताया गया किस तरह से उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम करते हैं बिना किसी को जाने पहचाने वेरीफाई किए हुए, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अगर वो कोई भी आपसे ओटीपी या आपकी पिन मांगता है, आप किसी भी हालत में अपनी ओटीपी या पिन शेयर नहीं करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन में। ये इसी बात का फ़ायदा उठाकर आपको तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए और आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, और आप उनकी बातों में लगातार आते चले जाते हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है, अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी ओटीपी, कोई भी पिन किसी के साथ किसी भी हालत में शेयर ना करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।